और ये देख सकते हो आपन है पूरा ये मन है बैगा आदिवासी हरे जो कि जंगल से आते बाजार करे बार दमोह के ये दिखाई देते पूरा वेशभूषा में मन अपन गहना ला पहन के आते हैं। का नाम है दाई? मैं पहली बार आया हूँ ना वहाँ दुरिया ला हूँ बाजार। कहाँ रहता तो है? मैं वहाँ गंडई तरफ रहता हूँ। ये जो देखा तो अपन माजदा में पूरा भरा है गांव वाला मन है और जो कि ये मन दमोह बाजार आए रही से और अक्सर ये मन हर हफ्ता जो है दमोह बाजार इसने गाड़ी में भरा करते माजदा में पिकअप में। नमस्कार जय जोहार जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार, आपन देखा तो हमारा मोर मितान चैनल संगवारी हो। अभी जो है मैं ऐसे बाजार आप मल्ला दिखाऊँ जो कि आप मन देखे ही रह जाओ। काफ़ी यहाँ फेमस बाजार है ये क्षेत्र के जो जगह मैं आया हूँ ओकर बारे में आप मतलब सब चीज़ बताऊँ मैं हाँ। और ये बाजार लापन पूरा देखूँ संगवारियों काबर की ऐसा जो है बाजार बहुत कम देखे बर मिलते और जो कि ये क्षेत्र में बहुत फेमस है यह। तो सबसे पहले मैं आप मतलब यही कहना चाहूँ कि हमारे ये वीडियो में अभी आप मन नवा हो हूँ तो बिल्कुल ये वीडियो लाइक कर दूँ और देखे से पहले शेयर कर दे रहा हूँ संगवारी का बात की जबरदस्त होने वाला है ये वीडियो है। संगवारी हो दरअसल मैं हूँ अभी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला के दमोह गांव में जो कि बिरसा तहसील में आते और ये जो दमोह जिला आसपास के मन है दमोह दमोह का थे और वास्तव में ये गांव का नाम है दमोह। वो बड़े शहर वाला दमोहनो है ये है बालाघाट जिला में पड़ते वो वाला दमोह गाँव है और ये देख सकते हो आपन है पूरा ये मन है बैगा आदिवासी हरे जो कि जंगल से आते बाजार करे बार दमोह के ये दिखाई देते पूरा वेशभूषा में मन अपन गहना ला पहन के आते हैं। और इखर जो है एक पहचान है अपन परंपरा ला बिल्कुल ये मन दिखाते गहना में दिखते इखर पहनावा में दिखते। और ये जो दमोह दमोह के ये बस स्टेशन हरे अपना आप मन देख सकते हो ये पूरा बस स्टेशन है यहाँ भीड़ के कारण जो है बस अंदर नहीं आया थे अभी। और ये देख सकते हो पूरा लाइन से दुकान लगे हुए हैं तिहरा बाजार है एक तरह से कहे जाए तो। आज 13 मार्च रविवार के मैं यहाँ शूटिंग करा था और ये होली तिहार के अवसर में ये जो है तिहरा बाजार आप मन थोड़ा दिखेंगे समूह के। ये जो है मंदिर है अपन मन मेन बाजार तरफ जाथन और देखा थन बाजार के मोहल्ला। और ये एक जब कोई बाजार कर लेते तो फिर थोड़ा छाया में बैठ के थिराते ये सब जगह है जहाँ मन बैठ के थिराते मुरा लाड़ू बेचा तेरा यह देख सकते हो और चना भी है और चना हो रहा चना बूट चना हो रहा जी 10 रुपया पाव ये देख सकते हैं 10 रुपया पाव का हाथ है। और मैं आप मल्ला पहले बता देना चाहता हूँ दमोह बाजार के बारे में ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला के लास्ट जो छोर है छत्तीसगढ़ से लगे हुए सालेवारा क्षेत्र तरफ के और बालाघाट जिला के सबसे बड़े बाजार के श्रेणी में है दूसरे नंबर के बाजार है। सबसे पहली जो है सबसे बड़े बाजार लगते हैं मोहगांव में और ये दमोह जो है दूसरा नंबर में आते बालाघाट जिला के। और यहाँ आप मल्ला सब प्रकार के जो है सामान मिली यहाँ खाए पिए से लेके जो भी ज़रूरत आप मन के रोज़मर्रा के जीवन में जो उपयोग होते वो चीज़ें यहाँ ले सका थो आप मन बिल्कुल। और ये देखा होली तिहार के अवसर में ये पिचकारी है गुलाल है पूरा आप मतलब देखे बार मिल ही। और यहाँ के जो बाजार में बैगा आदिवासी मन पूरा जंगल से आते बाजार करते और ये क्षेत्र में बैगा आदिवासी मन के जो है संख्या अधिक है साथ ही साथ घोड़ आदिवासी मन भी जो है यहाँ ज़्यादातर आप मतलब देखे बार मिल ही। बहुत बड़े जो है क्षेत्र में ये बाजार होते
और यहाँ देख सकते हो महुआ जो है, महुआ जो है बिका थे। महुआ कितना लगा थे, कितना लगा महुआ? 65 रुपये किलो है महुआ के, कहा था अभी ये देख सकते हो आप। यूट्यूब में ही भैया है, मोर मितान, मोर मितान। हाँ और ये देखो दाल, उड़ीद दाल है, रहर दाल है और गुड़ भी आप मतलब दिखाई दे। तो ये तो यहाँ बहुत सारा आप मतलब ऐसे अलग अलग जो सामान है दिखाई दी काबार की हमन है। अभी तक से जो है मोर मितान चैनल में आप मन है छत्तीसगढ़ के बाजार ला देखे हो, लेकिन अब जो है आज हम जो शूट करा था बाजार मध्य प्रदेश के बाजार, पहली बार जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के बाजार ला आप मतलब दिखा था। तो संगवारी हो वीडियो ला तो ज़रूर शेयर करूँ, लाइक करूँ, काबर की ये बाज़ार कुछ हटके है। और ये मिठाई मार्केट ये देख सकते हो, ये जो मिठाई है देख सकते हो, ये ला का मिठाई कहते माला, मिठाई माला। ये जो है होली के तिहार आवा थे ओकर बार जो है ये है यूज हुई, काबर की तिहार बार में जो है मिठाई खाए जाते हैं। तो ये मिठाई माला, माला के सामान है, ये ला पहन भी सकते हो, खा भी सकते हो ऐसे का। तो क्या दुनिया पे लेना। हाँ ये ले रंगुला ले जाओ, और यहाँ के जो है बाजार के बारे में आप मन लाओ धीरे धीरे बताते जाबो, बिल्कुल बने रहो आप मन। हाँ बहुत बड़े बाजार है तो थोड़ा लंबा भी हो सकते हैं वीडियो, हाँ हो सके तो दो पार्ट में भी आ सकते। और ये देखो बीड़ी के गट्ठा पूरा रखा है, हमारे अंकल जी हैं बीड़ी कुछ नहीं है। तो ये तरफ के जो है सब्जी मन के का रेट है वो हम बिल्कुल बताबो आप लाइक आज हल्ला पूछबो। सब्जी मार्केट तो है ही, साथ ही साथ यहाँ कुकरी घलोक बेचाते मुर्गा देसी वाला, आप मन बायलर वाला तो बायलर वाला तो खैर मार्केट में आप मन हाँ दिखते तेला जाना थो। और यहाँ जो है देसी कुकरी देसी मुर्गी जो है मुर्गा जो है बिकते उल्टा पाक उल्टा मुँह मऊर ऐसे वाला जो यहाँ मुर्गी मुर्गा है ना अपना देखे बार मिली। साथ ही साथ यहाँ बैला बाजार भी लगते, बैला भैंसा भी बिकते यहाँ बाजार में। और हाय हाय और कपी जाबो एक बार बीस के तीन था, तीन माला के माला बीस के, बीस के तीन मंगठन का थे का। हाँ ये बीस के तीन माला कहा थे, ये देखो अच्छा अच्छा ये कुर्ती कहा थे भैया ने, अच्छा ये कुर्ती और ये काला कुर्ती ये मसूर, अच्छा उरीद जी जी बिल्कुल। ये देख सकते हो ये ऐसा टाइप के जो है हमारा तरफ के जो है बाजार मन में आप मतलब देखे बार नहीं मिली, और जो है कि दमोह के बाजार में हम मतलब देखे बार मिला थे भैया वो शूटिंग करा थे बिल्कुल काबर की दमोह बाजार ये घूमा था नमन है। तो मैं आप मन के लिए यहाँ के जो है बाजार के वीडियो बना था कि आज के का भाव चला थे तेला पूछ ले खंजू प्याज के का भाव चला तेरा है रुपये किलो, ये 20 रुपये किलो ना। और एक हमर डहन हमर डहन अब हाँ 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 अब एक 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 रुपये भाग है 10 रुपये भाग और 20 रुपये किलो कहा प्याज के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भाव बाजार भाव हम अपन घर बैठे बता था भाई। अब का है भाव और हम से दमोह बाजार के बारे में हमारे भैया है यशवंत साहू भैया कुछ बताइए यहाँ के जो है बाजार के बारे में। तो मैं सबले पहली आप मन ला थोड़ा परिचय
देहो यशवंत साहू भैया ये अपन मिल लाओ हमारे बीच में है जो है दमोह के ही हरे आसपास के गांव के। तो यशवंत भैया थोड़ा ये दमोह के बाजार के बारे में बताओ और इधर का विशेषता है बाजार के कैसे तक के बाजार लगते का है तेला बताओ ये का बेचते थे। ये चूना हरे भैया। अच्छा चूना भी। अच्छा पोते के। हाँ पोते के चूना हरे। अच्छा ये अच्छा जी जी अभी आने का पोतेने का अच्छा सब बन जाते है ना ठीक। हाँ तो यशवंत भैया मैं बोला तो थोड़ा दमोह बाजार के बारे में बताना हमारे दर्शक मन ला भैया। ये दमोह बाजार है अपन ग्रामीण अंचल के अंतर्गत आते मध्य प्रदेश जिला बालाघाट के लास्ट में और यहाँ जिन बाजार है बहुत बड़े बाजार है यहाँ जंगल अंदर से सब मनसे मन आते हैं बैगा आदिवासी गोंड आदिवासी बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं बाजार। अपन गंडई खैरागढ़ श्रीहरान तब ले घलो आते हैं यहाँ बाजार। अच्छा बहुत बड़े बाजार है यहाँ सब प्रकार के जिनिस मिल जाते हैं यहाँ बाजार में। जी जी अच्छा छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हुए हैं भैया ये बाजार है। हाँ लगता है कि छत्तीसगढ़ के ही बाजार का रहता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल छत्तीसगढ़ के ये बॉर्डर में लगे हैं ये दमोह हाँ तो निश्चित रूप से उखर जो है झलक देखे पर मिलते हैं बिल्कुल भैया। और यहाँ ये बात कर तो सबसे ज़्यादा कौन से जो है कास्ट वाला मन ज़्यादा है दमोह में। यहाँ भैया बैगा आदिवासी जंगल अंदर के ज़्यादा हुए और हमारे जिन क्षेत्र यहाँ गोंड आदिवासी हैं ओबीसी वर्ग भी हैं पर कम मात्रा में है गोंड आदिवासी के जिन हमारे क्षेत्र हैं जनसंख्या ऊपर बढ़ के ज़्यादा है। अच्छा तो ये जो क्षेत्र में मुख्य रूप से का चीज़ बेचा बराते इला बताओ। मुख्य रूप से सभी चीज़ बिकते भैया यहाँ ज़्यादा फेमस कोदो कुटकी आते हैं यहाँ बिकेले सबसे ज्यादा जंगल अंदर से। अच्छा गल्ला से संबंधित धान घरों बिकते और चना गेहूँ घरों के पर कम मात्रा में होते हैं। अच्छा अच्छा बाजार में तो वैसे सभी जिनिस मिलते हैं बाजार अंदर में। तो कत्ते के गांव के आसपास वाले मतलब टोटल कत्ते गांव का वाले मन आते हैं यहाँ बाजार करे लगभग का बोला अंदाजा। अंदाजा तो भैया 50-60 गाँव ज्यादा के बाजार करते हैं। अच्छा तो हर हफ्ता मतलब हर रविवार के यहाँ बाजार होते हैं। सप्ताह बाजार लगता है रविवार के लिए। अच्छा जी हर हफ्ता में टमाटर के क्या भाव है तेला पूछता हूँ भाई यहाँ ढाई किलो बीस ना है नहीं जी और लौकी है जी लौकी है। अरे वीडियो बनाया था क्या यूट्यूब में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो भाव और बात पूछा था भैया टमाटर लो ढाई किलो बीस और ये गुड़ है देख सकते हो ये गुड़ भाई अरे भैया किलो 40 रुपए गुड़ ये देख सकते गुड़ के जो है 40 रुपए किलो है यहाँ दमोह बाजार में। और ये रंग गुलाल पिचकारी पूरा दिखाई दी आप मन बताओ कि छत्तीसगढ़ के बाजार तो बहुत देखे हो आप बहुत घूमे हो लेकिन दमोह के जो बाजार आज दिखा था का कुछ परिवर्तन नजर आते आप मन भी देखा तो हो तो जरूर कमेंट करके बताओ संगवारी हो। ऐसे तो बहुत कुछ यहाँ के बाज़ार में अलग चीज़ हमारा देखे पर मिला थे और यहाँ के जो है भाषा के मैं यदि बात करूँ तो ज़्यादातर लोग मना छत्तीसगढ़ी ही बोलते यहाँ ऐसे कोई हिंदी ज़्यादा ऐसे बोलने वाला बात नहीं है ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी की उपयोग करते। काफ़ी दूर तक यहाँ के बाज़ार लगते मैं आप बता देना चाहता हूँ बहुत हाँ ये साहू गल्ला दुकान दमोह के और ये जो दमोह मैं आप बता चुके हूँ कि यह बालाघाट जिला में पड़ते मध्य प्रदेश के और ये हाँ सेमी कैसे रुपये किलो है दाई सेमी के कैसे रुपये किलो 20 रुपये किलो सेमी के देख सकते हो दमोह बाजार में। अब सब्जी बाजार मुख्य रूप से ये तरफ लगते मोला लगते पहुँच गए ना मन है। हाँ पूरा सब्जी बाजार मिली मन है। हाँ ये क्षेत्र पूरा सब्जी बाजार आप मतलब दिखाई दी थोड़ा आगे में जाबो तो मवेशी बाजार भी है और ये तरफ मुर्गा मच्छी भी बाजार लगते तो कोशिश करबो आप मतलब दिखा ऐसे करके लेकिन फिलहाल हम सब्जी बाजार में आ तो कोशिश करबो कि सब्जी मन के का भाव चला थे रहन इला देखन करेला का भाव है तेला पूछतन भैया करेला कैसे रुपए किलो भैया करेला भैया 20 रुपया पाव और ये बरबट्टी के 20 के आधा मतलब 40 रुपए किलो देख सकते हो ये जहाँ यहाँ के बाजार और भाव और छत्तीसगढ़ के बाजार भाव में कते का अंतर है आप मन अब समझो संगवारी हो आप मन अगर सब्जी खरीदत हो तो बिल्कुल आप मन ला ये चीज़ की जानकारी हुई और मैं तो वीडियो बनाता हूँ बाजार के भुलाई जाता हूँ मैं
कब है कहाँ रेट रही ऐसे करके तो और आपन है शिमला मिर्चा कैसे भाव भैया 20 के आधा किलो मतलब 40 रुपए किलो और टमाटर ला कैसे दे हो 10 रुपए किलो छत्तीसगढ़ी समझतो नहीं जी छत्तीसगढ़ के दिया ना कौन गांव के जाम गांव अरे क्या बात है हमू जाम गांव वो तरफ से आए हम भैया लोहारा डाल ले बाजार घूमे पर तो हाँ यहाँ के जो है बात करें तो बाजार के यहाँ मोर एक जन भैया बता दी समर प्रीतम भैया हमारे साथ में है ये भी कुछ है बताही ये देख सकते हो प्रीतम भैया है और ये बताही कि यहाँ के कुछ का सामान लेबर आठों कथा से छत्तीसगढ़ तो कहाँ चीज़ है फेमस है बता भैया अरे हाँ भैया कुर्सी उर्सी लेना रहते नाथ हैं अपने भैया लेबर हम हमारे तरफ नहीं मिले कुर्सी हाँ कुर्सी कुर्सी जो है लेबर आसन कहाते हो कनौजी मिट्टी वाला ये माटी कनौजी ले कलेक्शन भैया तरफ से हमारी हाँ 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 बढ़िया टिकाऊ रहते हैं यहाँ के माटी के बर्तन मन हाँ जी जी ये देख सकते हो आप यहाँ बाजार करे पर छत्तीसगढ़ के मन घलो बहुत आते अभी कहा सुक्सा 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 मछली और गंडई छुई खदान धमधा तक के यहाँ जो है बाजार आते व्यापारी मन है बेचे बार कैसे भैया मनिहारी दुकान ये तरह पूरा मनिहारी दुकान आप मतलब देखे भर मिली ये तरफ ये तरफ भी आप जाते हैं अभी पूरा देखो लाइन से भुंजी मछली जो है बिका थे कै रुपया भाग है दाई 20 रुपया भाग कहा थे दाई है और ये पूरा किराना सामान भी यहाँ बिका थे बाजार में ये पूरा मछली वाला लाइन लगा थे मोला तो भुंजी मछली वाला बीस रुपये का और ये मछली ये देखो पूरा मजा एक आम मछली है मोंगरी के रुपये किलो लगा भैया 140 रुपये किलो मोंगरी मछली के दमो बाजार में और ये जो है मुर्गी मछली के जो है दुकान है लगे हैं बड़े बड़े मछली दिखाई दे थे और ये तरफ आप मन जाओ तो मवेशी बाजार आही मैं आप मन ला अलग से वीडियो बना के दिखाऊँ संगवार हो फिलहाल आप मन हाँ यही तरफ के जो है बाजार ला देखो ये देखो हाँ देसी देसी मुर्गा यहाँ आप मतलब ये जो इलाका में दिखाई दी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जो है एक विशेष एक पहचान है यहाँ के बाजार के लमो बाजार के और ये देख सकते हो लाइन से बिल्कुल देसी मुर्गी ये मन पूरा देसी मुर्गी है ये देख सकते हो आप मना ये बाजार में एक देसी है भैया हाँ हाँ देसी हरे का हाथ है पूरा एकदम और यहाँ हर एक प्रकार के जो है देसी मुर्गी देखे पर मिली कैसे का उल्टा पाँख की थे उल्टा मऊर उल्टा मऊर अच्छा जी जी कैसे रुपया में लगा था नग लगा था कि किलो के हिसाब से बेचता किलो भी और नग भी दोनों अच्छा कहाँ से आओ भैया अपन यहीं पर दमो पे दमो के हर ना अच्छा ये देख सकते यहाँ किलो में भी बिकते और नग में भी बिकते तो कैसे रुपए किलो है और नग यहाँ है किलो 500 रुपए किलो है 500 रुपए किलो और नग में भी दे देते हैं नग में भी अच्छा नग में भी दे देते हैं किलो के भी हिसाब से दे देते अब जैसे जो है जम जाते ग्राहक के ऊपर किलो में भी कोई किलो मांगते हैं कोई नग वाले भी है जी जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी दे मैं कुछ उल्टा पाँ का उल्टा मोर उर वाला कुछ है उल्टा है देखो ये उल्टा है उल्टा सतमुरिया भी है अच्छा ये उल्टा सतमुरिया है सतमुरिया मतलब कहा है खरा अलग रहते ये सतमुरिया उल्टा है कोई सीधा वाले भी रहते अच्छा हाँ तो ये देखा यहाँ जो है रमो बाजार में वो आप उल्टा सीधा टेढ़ा पिचका सब प्रकार के जो है मुर्गी देखे पर मिली ये पूरा लाइन से बैठे
में जो है भर के लाते मुर्गा है, ये देख सकते हैं कुंद्रा कथे पूरा जो है भराए हुए है, पूरा मुर्गा भरा है, पूरा फोटो खिंचा थे बाबा। कहाँ लहा बेचे बात बेचे बात ठीक है, ये देख सकते हो पूरा मन लाइन से हरे मुर्गा मन है, देसी मुर्गा में फोटो खींचा था बाबा, पूरा विदेश तक जाए तो छाट लो नहीं मार लो, हाँ छाट लो नहीं मार लो, और पचास वाला हलो के कहते भैया। ये जो है मिठाई माला मिठाई जो कि 30 रुपये पाव है और 20 के तीन माला दही, महिला हम कहथन ठेठी मिठाई कह सकते हैं काबर कि ठेठी जैसे दिखा थे और ये तरह के मन है नहीं मिठाई कहते भाई, लेकिन मोला ऐसे लगा थे ठेठी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बनते वैसे लगा थे, तो कैसे रुपये पाव है ठेठी मिठाई का 30 रुपया पाव, देखो ऐसा टाइप का जो मिठाई हमारे छत्तीसगढ़ के बाजार में देखे पर नहीं मिले भैया, जो दमोह नहीं मिले हमारे तरफ नहीं मिले छत्तीसगढ़ के बाजार में। और ये देख सकते हो लाइन से, ये जो है का मिठाई की बोला करी करी मिठाई, और ये देख सकते हो सब बालूसा है, समोसा है, गुलाब जामुन लाड़ू है, सब यहाँ मिठाई लगे हैं, लेकिन कुछ कुछ मिठाई जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिलते और कुछ नहीं मिले। ये पूरा लाइन से मनियारी दुकान है जहाँ लड़की मन महिला मन अपन खरीदी करते हैं जो भी जरूरत की चीज़ रखे चल। और ये देख सकते हो बड़े बड़े लहसुन प्याज है का प्याज सॉरी प्याज अरे भाई यहाँ लहसुन ही कहा था पूरा, ये देख सकते हो लाइन से पूरा लगे हुए हैं। कै रुपये किलो के है जिसे 15 रुपया किलो प्याज के, ये यूट्यूब वाला है छत्तीसगढ़ से आहन बना सकते नहीं जी, बिल्कुल बना मोर दुकान है ऐसे ना, तो थोड़ा भाव बता देते हो कहाँ कहेंगे 10 रुपया, अच्छा 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो सेमी सेमी 20 रुपया, अच्छा 20 रुपये 10 रुपया ठीक, तो ये पताल के 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो बड़े बड़े पताल 10 रुपये किलो में, ये दमोह बाजार। और अलग तरफ आप मल्ला दिखाबो 1 किलो 20 1 किलो 20 प्याज के गोंदी के, और ये आप मल्ला थोड़ा वो तरफ लेके चलते हैं जहाँ सोना चांदी कपड़ा लगता दुकान सब लगे हुए हैं वो तरफ, और ये तरफ थोड़ा देखते हैं गोभी कैसे रुपये किलो 30 रुपये किलो गोभी लंजिया भाटा 20 रुपये किलो ठीक तो संगवारी हो अपन देख सकते हो ये महिला जो है लड़का ला कैसे पा है, ऐसी जो है अक्सर जो है आदिवासी महिला मन जो है जब बाजार हाट या कहीं जब जाते हैं तो अपन लड़का ला ऐसी जो है पाथे मन है इला बोलते बागा बागा जी, ये देख सकते हो ये हरे बैगा आदिवासी महिला जो कि दमोह के बाजार आए हैं और फिर बच्चा बढ़िया बैठे हैं चुपचाप, और ये महिला जो है यहाँ के बाजार घुमा थे देख सकते हो, और इखर मन के ऐसी टाइप के ही जो है होते लड़का मन ला पाए के जो है तरीका है। ये जो लाइन दिखाई दे थी आप मन ला ये लाइन में पूरा आप मन है बर्तन दुकान कपड़ा दुकान वागों में जो है सोना चांदी के दुकान देखो, ये तरफ पूरा जो है बर्तन दुकान आप मला देखे पर मिली, और ये देख सो चप्पल जूता के जो है यहाँ सुधार भी होते चप्पल रिपेयरिंग, और ये लाइन से पूरा देखा बड़े बड़े बर्तन से लेके छोटे छोटे बर्तन सब दिखाई दी आप मला, फिर देख सकते हो बड़े बड़े जो है सब बर्तन स्टील के तांबा के कांसा पूरा जम्मो प्रकार के
बटन यहाँ से अपन ले सकत हो। दमों के बाजार में आप मन ये भी देखो, ये जो है शादी में मौर मुकुट घलों का आप मन ले सकत हो। यहाँ के मैं बाजार के बारे में आप बता ही हूँ कि काफ़ी बड़े बाजार है, यहाँ से जमो प्रकार के चीज़ आप मिल रहा। अच्छा देखे बार मिली ये तरफ जाता है उन्होंने कपड़ा दुकान कहा है कि ये देखो पूरा कपड़ा पूरी लाइन से सब कपड़ा दुकान लगे हैं और सोना चांदी दुकान भी आप मिल रहा दिखा था। दमोह बाजार में संगवारी हो, अभी थोड़ा आप मतलब खाली लगा तो ही, अभी कुछ हफ्ता से जो बाजार लगा तो मैं थोड़ा खाली खालीपन हबे काबर की ये बतात रही से भैया है कि कुछ कुछ जो है यहाँ के आसपास के मन है ज़्यादातर कमाए खाए बार अन्य जगह हम चल रहे हैं ते पाए के थोड़ा कम होते बाजार के भीड़ है। और ये तरफ पूरा सोना चांदी के जो है दुकान आप मिले देखे बार में थी, ये तरफ खाली है हालांकि अभी सोना चांदी के जो है लेवैया कम दिखाई दे थे। ये पूरा सोना चांदी के जो है दुकान हाँ। ये दमोह के बाजार के जो शुरुआत ज़्यादातर होते मतलब 11-12 बजे जो है शुरू हो जाते भराए के, और जो दूर दराज से जैसे जंगली क्षेत्र से आते बैगा आदिवासी मन है तो वो मन है जल्दी से आते और जल्दी से चले जाते, वो मन है 3-8 बजे ले निकल जाते वो मन है। और यहाँ के बाज़ार लगभग रात 9 बजे ले जो है भराते। दमोह बाज़ार के वीडियो में अगर पूरा बना हो तो काफ़ी लंबा हो जाइए वीडियो है संगवारी हो, तो ये वीडियो मैं अब लास्ट करत हूँ। मैं आशा करत हूँ आप मल्ला जो है दमोह बाज़ार के जो है वीडियो अच्छा लगी सो ही, काबर की हम मध्य प्रदेश के जो है बाज़ार के वीडियो पहली बार बना हन और बना हन तो ऐसे जगह के वीडियो बना हन बाज़ार के जिन काफ़ी फेमस है ये क्षेत्र में। और हमारे बीच में प्रधान पाठक सर जी है, हरीश नेताम सर जी है, कुछ बताही दमोह बाज़ार के बारे में। सर कुछ बताओ हमारे मोर मितान चैनल के देखिए संगवारी मल्ला, अपन हाँ काफ़ी समय से दमोह बाज़ार आत हो, का कुछ यहाँ के बाज़ार के विशेषता है? असल में दमोह बाज़ार का है बालाघाट जिले के दूसरा सबसे बड़े बाज़ार है। यहाँ अपन छत्तीसगढ़ से और MP से बहुत सारे आते हैं सामान खरीदे पर। छत्तीसगढ़ में अगर अपन बात करें तो खैरागढ़, धमधा, गंडई, छुई खदान से बहुत सारे ग्राहक आते हैं यहाँ। अच्छा ग्राहक और व्यापारी बहुत सारे आते हैं जी जी। अच्छा बहुत बढ़िया फेमस बाज़ार है, मेला टाइप के बाज़ार लगा थे, मैं पहली बार आया हूँ वाकई में, ये जो दमोह बाज़ार है देखा था एक मेला से कम नहीं है। जी जी जी, हफ्ता में केवल एक ही दिन बाज़ार होते क्यों ऐसे? एक ही दिन बस रविवार, हर रविवार के ना? हर रविवार हाँ। अच्छा कहते के दिन से हम बाजार लगत कुछ आइडिया हुई के साल से? बहुत पुराना बाजार है भैया। अच्छा बहुत पुराना बाजार। और ऐसे दमोह में कुछ ऐसे अवसर हुई मुख्य जो है यहाँ मेला लगत हुई शिवरात्रि या फिर अन्य कुछ ऐसे? हाँ मेला तो लगते है लेकिन अभी मतलब माघ पूर्णिमा के समय, लेकिन अभी ये साल नहीं लगे कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से साल नहीं लगी से? नहीं लगे जी जी। माघ की जनवरी 3 साल हो गए नहीं लगे? हाँ लगभग 3 साल। बहुत मतलब फेमस मेले भी लगते हैं यहाँ, कम से कम 2-3 दिन तक चलते हैं। 2-3 दिन तक? 3-4 दिन तक जी जी। और ये जो है ग्राम पंचायत में आते किस नगर? नहीं नहीं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जी जी। कते घर हुई यहाँ? यहाँ तो बहुत बड़े बस्ती है ना, बहुत बड़े बस्ती। आप कहाँ घर हो? जी मैं रेलवाही के रहने वाला हूँ। रेलवाही के ना? हाँ। कतेक साल से यहाँ बाजार आते हो? हम बाजार तो यहाँ मान के चलो आने लायक हुए जब से आ रहे हैं। बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से पूरा मान के चलो, मतलब कुछ खरीदना है कुछ लेना है तो इतवार के दिन मतलब बस यही डेली बाजार आते हैं। यही नहीं? अच्छा इतवार के जी जी। आप मन के का नाम है भैया? मेरा नाम सुमन सिंह पटेल। कहाँ करो? भेलवा टोला भैया। भेलवा टोला जी जी। बिल्कुल यहाँ के बाजार में जो है आप मतलब जम्मो प्रकार के जिनिस मिल जही खरीदे पर, तो हर सामान यहाँ मिली। और आसपास के काफ़ी दूर दराज के लोग मन है यहाँ बाजार करे बार आते, कुछ ज़रूरत की चीज़ ले तो यही से लेना है। अब ये कुआँ
बहुत पुराना कुआं हरे और ये में मोर ख्याल से अब पानी नहीं है, काबर की कचड़ा में पट गए पूरा दिखाई दे तो आप मल्ला ये पूरा अब पानी नहीं है, पूरा कचरा है। तो दमो जो बाजार लहमन है दिखाए हैं संगवारी हो, आप मल्ला कैसे लगी से जरूर कमेंट करके बताऊँ, ये वीडियो में अधिक से अधिक शेयर करो, अपन माया दुलार देवत रहो और संगवारी हो, कोशिश करबो आप मन के बीच में अच्छा अच्छा वीडियो लेके आवत रहन। आज हमार दमो बाजार ला सफल बनैया हरीश नेताम सर है जो कि प्रधान पाठक है हमार कटंगी कला गांव के, और ये यशवंत भैया जी है जो कि यहीं के हरे हुए है, आज पूरा सहयोग करी से। साथ में हमार प्रीतम भैया आ है पवन तरा निवासी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप जम्मो झल्ला, और मैं भी ये घूमत हूँ। तो संगवारी फिर मिलते हैं नवा वीडियो के साथ, अभी तो हमला विदा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, टाटा बाय बाय, जय छत्तीसगढ़।